इतने बड़े सदियों के बाद हो रहे सुधार को पॉलिटिकल कलर देना मैं मानता हूं ठीक नहीं है। मेरे तो सभी विपक्ष के साथियों से विनती है, पॉलिटिक्स करने के ढेर सारे मुद्दे हैं, आराम से करिए पॉलिटिक्स, कोई चिंता नहीं, हम भी जवाब देंगे, मगर ये कानून देश के 140 करोड़ नागरिकों को संविधान का जो स्पिरिट है, न्याय और आत्मसम्मान, वो समय पर दिलाने की एक एक्सरसाइज है। तो आप सभी लोग इसमें कॉपरेट करिए, और मैं मानता हूं कि जिसको भी कुछ कहना है मेरा दफ्तर हमेशा खुला है, मैं अवेलेबल हूं, मिलने से पहले रोड पर जाना मैं मानता हूं ठीक नहीं है। चर्चा करनी चाहिए, कुछ भी हो बात करनी चाहिए, और मेरा स्पष्ट मत है जो मैं आज बेबाक तरीके से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूं मैं, भारत के आजादी के बाद किसी भी कानून पारित कराने के लिए इतनी लंबी चर्चा का प्रोसेस नहीं हुआ है, ये मैं रिकॉर्ड पर कहने के लिए तैयार हूं। 4 साल तक इस कानून पर विचार हुआ, और अगर आपको अभी भी कुछ कहना है तो आप जरूर आइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मगर कृपया इस कानून को पब्लिक तक इसकी सेवा करने देने का मौका देना चाहिए। समय पर न्याय मिलेगा तो देश का भला होगा, संविधान की सुरक्षा और आत्मसम्मान की भावनाओं को नागरिक प्राप्त कर पाएंगे तो देश का भला होगा, और सबसे बड़ा बदलाव है हमने थोड़े धैर्य के साथ टीथिंग प्रॉब्लम को देश की जनता ने भी बड़े धैर्य के साथ लेकर सिस्टम को सुधारने का मौका देना चाहिए। और मैं सभी दलों से भी कहना चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर आप इसका समर्थन करिए, और जो भी सुझाव जनता के हित में है लेकर आइए, हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों के मन में कोई बात है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, ये भ्रांति फैलाई गई है कि रिमांड का समय बढ़ाया गया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नए कानूनों के तहत बीएनएस के तहत रिमांड का समय 15 दिन का ही है। मैं आप लोगों के सामने डिटेल में बताना चाहता हूं, आरोपी को आज पुलिस ने कस्टडी में लिया, कोर्ट ने रिमांड दे दी, और आरोपी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और 15 दिन तक अस्पताल में रहेगा तो क्या इसकी पूछताछ ही नहीं होगी? पूछताछ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसलिए हमने प्रावधान किया है कि 15 दिन की अपर लिमिट के अंदर, 60 दिन की अपर लिमिट के अंदर पुलिस इसका रिमांड ले सकती है, वरना उसको तो जुडिशियल कस्टडी में जेल में पहले भी रहना था और बाद में भी रहना है। एक दूसरा आरोपी पकड़ा जाता है, पुलिस को दोनों को इकट्ठा करके पूछताछ करनी है तो कैसे करेगी? तो 15 दिन की लिमिट को हमने नहीं बढ़ाया है, रिमांड 15 दिन की ही होगी, 60 दिन के भीतर एक या दो टुकड़ों में आप 15 दिन की रिमांड दे सकते हैं। भ्रांति फैलाई जा रही है कि रिमांड का पीरियड बढ़ाया गया है, कृपया मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसको आप क्लैरिफाई करिएगा जिससे जनता में गलत बात न जाए। टोटल 15 डेज विद इन 60 डे, वो जानबूझकर उठा रहे, मैं मानता हूं उन्होंने तो पढ़ा होगा कानून। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।